संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दस रूपक का हम अध्ययन कर रहे हैं और दस रूपक में हमने अभी तक भूमिका के बारे में जाना है। आज से हम दस रूपक को शुरू से अध्ययन करेंगे और मैं जैसे अध्ययन कराने का प्रयास करता हूं, कोई भी श्लोक छोड़ने का प्रयत्न नहीं करते, हम कोशिश करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आया। क्योंकि जब तक हमारा जो श्लोक दे रखे हैं या जो सूत्र दे रखे हैं, जो भी चीज दे रखी है, उसका एक आधार होता है, एक बेस होता है। यदि बीच बीच में हम अध्ययन करेंगे तो वो चीजें हमारे दिमाग में सही से नहीं बैठ पाती। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको दस रूपक भी बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। तो धनंजय जी का ही आप जानते ही हैं सब, श्लोक विश्लोक यहां थोड़े से कम बताऊंगा मैं आपको। सीधे हम इसके इस प्रथम श्लोक से शुरू करते हैं। प्रथम और दो द्वितीय श्लोक यानी दो श्लोकों में इन्होंने वंदना की है, मंगलाचरण है एक तरह से मानिए। तो यहां पर देख लेते हैं, दो प्रकार के मंगलाचरण देवता होते हैं इसमें। एक तो होता अभिमत, अर्थात पूजित। दूसरे होते हैं प्रकृत, यानी जो प्रकरण चल रहा है उसी से संबंधित देवता। तो यहां दो देव हैं, दो दो देव हैं सभी में, इसमें भी दो देव हैं और दो देव इसमें भी। इन दोनों के लिए इन्होंने स्तुति की है, पूजा की है, प्रार्थना की है, ये मान के चलिए। तो अभिमत या पूजित देव के बारे में इन्होंने जो नाम लिया है वो है गणेश जी, और दूसरे हैं विष्णु भगवान। ठीक है। और जो प्रकृति के रूप में हैं, जो दो देव हैं, उनमें भरत मुनि आप सभी जानते ही हैं, और दूसरे हैं शिव अर्थात नीलकंठ भगवान शंकर। ऐसे करके ये चार देव हैं जिनको दो श्लोकों के माध्यम से, मंगलाचरण के माध्यम से स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है। आप जो भी इसमें लगाना चाहें, आप अध्ययन भी कर सकते हैं। मैं उन श्लोकों पर नहीं आ रहा हूं क्या क्या इन्होंने कहा है, कभी कभी ये पूछ लेता है ये प्रश्न। उसके बाद में इसमें अनुबंध चतुष्टय के बारे में बोला है। हम जानते हैं अनुबंध चतुष्टय क्या होता है, अनुबंध चतुष्टय ये होते हैं, प्रथम विषय, दूसरा होता है अधिकारी, तीसरा होता है संबंध, चौथा होता है प्रयोजन। ठीक है। मैं आपको एक बात और थोड़ा सा यहां बताता चलूं, चर्चा करता चलूं। मेरा उद्देश्य किसी परीक्षा को टारगेट करना नहीं है। मैं अपनी इस बारे में वीडियो में एक से दो तीन बार और बता चुका हूं, चीजें वही हैं, बस उनको मैं परीक्षा से संबंधित नहीं बता रहा हूं कि इस परीक्षा में ये आएगा, इस परीक्षा में ये आएगा, इस परीक्षा में ये आएगा। मेरा ये उद्देश्य नहीं है। आपको जो भी परीक्षा में जो आता हो, आप सिलेबस उठाइए, पाठ्यक्रम जो दे रखा हो जिस परीक्षा का, टेट से लेकर के नेट तक, आप उनको क्रम से देखिए और उसमें देखिए कि हमारे द्वारा जो बनाए जा रही वीडियो हैं वो आपको कौन कौन सी उपलब्ध हैं। जो उपलब्ध है आप उनको अध्ययन कर लीजिए, नहीं उपलब्ध है तो बहुत सारे हैं, आप उनसे अध्ययन करिए। अध्ययन करना है बस आपको। और मेरा उद्देश्य किसी विषय को टारगेट करना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि मैं जो भी ज्ञान यहां देने का प्रयास करूं, जो भी समझाने का प्रयास करूं, वो आपके एक एक बात समझ में आ जाए। यदि आप पुस्तकों के द्वारा अध्ययन करें और एक बार इस वीडियो को देख लें, फिर दोबारा किसी भी चीज की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है। तो ये कोशिश रहती है, हो सकता है कुछ हमारे मित्र हैं उनको इसमें नुकसान रहता हो, उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। विषय से हटकर के भी चीजें मैं बताने का प्रयास करता हूं, इसलिए कुछ मित्र हैं उनको लगता है कि मैं विषय पर नहीं आता हूं, वो ठीक है, उनकी बात गलत नहीं है, लेकिन मैं
थोड़ा सा इसमें मजबूर हूं क्योंकि मैं शुरू से लेकर के चलता हूं चीजों को। तो पहले ये मंगलाचरण हो गया, दूसरा ये बता रहे हैं अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय में हर एक में होता है, ये ध्यान रखना है। हम दस रूपक का अनुबंध चतुष्टय देख रहे हैं और अधिकार इसमें विषय क्या है, दस रूपक का विषय है दशरूप, अर्थात दशरूप ही विषय है इसका, ठीक है। अधिकारी कौन है, अधिकारी है दशरूपों का ज्ञान का इच्छुक, याद रखना है आपको, दशरूपों का ज्ञान का इच्छुक व्यक्ति ही इसका अधिकारी है, जो चाहता है कि मैं दस रूप हैं या दस रूपक हैं या जो रूपक हैं उनको मैं जान सकूं, उनका ज्ञान अर्जित कर सकूं, तो वो इसका अधिकारी है। और संबंध क्या है विषय और अधिकारी में, जो है प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है इसमें, ठीक है। अब प्रयोजन, प्रयोजन इसमें दो हैं, प्रथम ए और बी के हिसाब से ये आ प्रयोजन इस दस रूपक का जो प्रकरण ग्रंथ है हम उसका प्रयोजन जानेंगे, ठीक है। इसका प्रयोजन है यानी कि प्रकरण ग्रंथ, यहां लिख दूं मैं प्रकरण ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ कौन सा है, दस रूपक, याद रखना आपको। प्रकरण ग्रंथ का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन है दस रूपों का ज्ञान प्राप्त कराना, ठीक है ना, दस रूपों का ज्ञान कराना, ये तो इसको इसका प्रकरण ग्रंथ का हो गया, अर्थात दस रूपक का जो धनंजय ने पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का ये प्रयोजन हो गया। अब बात आती है दूसरा प्रयोजन बा में, बा में जो प्रयोजन है वो क्या है, वो है दस रूपक, दस रूप है, वो दस रूप का ज्ञान हम करें लेकिन क्यों, उसका क्या प्रयोजन है। तो इसमें बोला है ये मुख्य प्रयोजन और गौण प्रयोजन दो रूप में और बांट दिया गया है, दस रूप का प्रयोजन है मुख्य प्रयोजन, ठीक है, मुख्य प्रयोजन है इसका परम आनंद, प्राप्ति, ये तो हो गया मुख्य प्रयोजन दस रूप का, अर्थात नाटक प्रकरण डिम विहामृग विथि प्रहसन जो भी है दस रूप हैं, रूपक हैं या रूप है, मैं बताऊंगा अभी इनको रूप बोलते हैं, रूपक बोलते हैं, नाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सब बताऊंगा, पूरा बताऊंगा। मुख्य प्रयोजन परमानंद की प्राप्ति है, गौण प्रयोजन क्या है, इसका गौण प्रयोजन जो है त्रिवर्ग की प्राप्ति, त्रिवर्ग क्या है, धर्म अर्थ काम काम, ठीक है ना, धर्म अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग के अंतर्गत आते हैं। एक पुरुषार्थ में जो यहां आता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इसमें मोक्ष छोड़ दिया है, त्रिवर्ग की प्राप्ति, ये गौण प्रयोजन है धर्म अर्थ काम, मुख्य प्रयोजन क्या है परम आनंद की प्राप्ति। तो ये अनुबंध चतुष्टय के द्वारा ये चार चीजें निकल के आती हैं। तो प्रयोजन में हमने दो चीज जानी है, इनको याद रखना है। आ में जो दो रखा है इस पुस्तक का दस रूपक पुस्तक का क्या प्रयोजन है, क्यों बनाएगी दस रूप पुस्तक, तो बताया है इसमें दस रूपों को ज्ञान कराने के लिए। फिर ज्ञान जो कराया गया है दस रूप जो है, दस रूपक जो है, दस नाट्य जो है, उनका क्या प्रयोजन है, तो उसके दो प्रयोजन बांट दिए हैं, मुख्य प्रयोजन है उनके द्वारा जब उन्हें जान जाते हैं तो परमानंद की प्राप्ति होती है, और उनका गौण प्रयोजन क्या है, धर्म अर्थ काम यानी त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है। आशा करूंगा ये छोटी सी चर्चा है आपको समझ में आएगी। चलिए हम आगे चलते हैं, इसमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, ठीक है, ये भाव शब्द और है, यहां से शुरुआत है इसकी। अब आगे हम सीधे संस्कृत के, इसमें सूत्रात्मक चीजें रखी हैं, हालांकि श्लोक भी हैं उनको कहीं कहीं,
लेकिन सूत्रात्मक एक एक पंक्ति के दे रखे हैं संस्कृत के द्वारा कि ये क्या है। अब मुख्य बात आती है, सबसे पहले इसमें बताया है कि नाट्य क्या है, ठीक है। जब तक हम नाट्य को नहीं जानेंगे इसमें आगे हम गति नहीं कर पाएंगे, ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे, जिंदगी हमारी गोल गोल में चली जाएगी। और आपको बताता चलूं कि 10 रूप अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो इसके बराबर सरल पुस्तक मुझे तो नजर नहीं आई, हो सकता है आपको आई हो, बहुत सरल पुस्तक है ये। नाट्य के बारे में सबसे पहला जो दे रखा है, ये सूत्र मानिए, पंक्ति मानिए, श्लोक मानिए, कुछ मानिए, एक ही शब्द दे रखा है पूरा, अवस्था नुकृतिर नाट्यम, यानी अवस्था की अनुकृति ही नाट्य कहलाती है। अब मैं इसमें पूरा डिटेल में जाऊंगा, पहले आप थोड़ी थोड़ी बातें जानते चलें। अवस्था की अनुकृति ही नाट्य कहलाती है, ये बात ठीक समझ में आ गई हमारे, कि अवस्था जो भी होती है उसकी नाट्य कहलाते हैं। अब दूसरे स्थान पर उन्होंने दे रखा है, क्योंकि हमने 2-3 चीज बोली है, नाट्य भी बोला जाता है इनको, एक दूसरा रूप भी बोला जाता है। मैंने जब भूमिका बताई थी तो इसमें बताने का प्रयास किया था, मैंने कहा था इसको विस्तृत में बताने का प्रयास करूंगा, और रूपक भी बोला जाता है। तो हमने नाट्य जाना, यानी अवस्था की जो अनुकृति है वो नाट्य कहलाता है। तो रूप कैसे कहते हैं, तो इसमें बोला गया है रूपम दृश्यतयो च्यते, यानी दृश्य होने के कारण जो भी हम मंचासीन होता है, जो भी आकृतियां बनाई जाती हैं, मैं बताऊं आकृति क्या होती है, पहले इसको थोड़ा सा हल्के हल्के समझते चलो। जो भी आकृतियां हैं उनको जो हम आंखों से देखते हैं तो वो रूपवान है, अर्थात वो उसको दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो रूप भी कहलाता है, ठीक है। तीसरे स्थान पर आता है रूपक, तो बोला है इसमें रूपकम तत्समा रूपात, उस तत् मतलब नाट्य का, तत् मतलब नाटक, उस नाटक का आरोपण होने से ये रूपक कहलाया। जैसे किसी का किसी में आरोपण हो जाता है, चंद्रमा का मुख में हो जाता है तो मुख चंद्र बोल दिया जाता है, यानी मुख चंद्र, तो इसका मतलब रूपक हो गया। जैसे रूपक अलंकार का अध्ययन किया होगा आपने कभी, तो वही है यहां, इसलिए उस नाटक का आरोपण होने के कारण ये रूपक भी कहलाया। चीज एक ही है, नाम अलग अलग है। जैसे एक कोई व्यक्ति है उसको इंद्र भी कहते हैं, दूसरे स्थान पर उसको पुरंदर भी बोलते हैं, तीसरे स्थान पर उसको शक्र भी बोला जाता है, पराक्रमी होने से शक्र, ऐश्वर्यशाली होने से इंद्र, और पुरों को ध्वस्त करने के कारण वो व्यक्ति पुरंदर भी कहलाया, जिनको हम इंद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो रूपक भी है, वो रूप भी है, वो नाट्य भी है, इन तीनों के नाम से वो जाना जाता है। एक ही काव्य, एक काव्य का एक हिस्सा मानिए, काव्य तीन प्रकार के मान लीजिए, काव्य का ही पार्ट है ये, गद्य पद्य और चंपू मानते हैं हम, उसी का एक विभाग है ये रूपक का, नाटक का। वैसे ये ज्यादातर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं समाज में जो प्रचलित है वो केवल नाटक के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा एक और इसमें दे रखा है, मैं बिल्कुल क्रम से चल रहा हूं, अगर आपके पास पुस्तक होगी तो आपको पता चलेगा ये बिल्कुल ऐसा ही क्रम है, इसकी व्याख्या में बहुत अच्छे समझाऊंगा, यहां पर आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाएगी। चलिए इसका मैं तुम्हें पूरा डिटेल में समझा ही देता हूं, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। अवस्थानुकृति नाट्यम, अवस्था की अनुकृति को ही नाट्य कहा जाता है, ये पहले बात बोली इन्होंने। अब अवस्था कितनी प्रकार की होती है, पहले लिख देता हूं मैं यहां, एक होती आंगिक, दूसरी होती है वाचिक, तीसरी होती है आहार्य, चौथी है सात्विक,
ठीक है ना। अवस्था अनुकृति, अवस्था क्या है, यहां छिपी हुई चीजें। अवस्था का मतलब है, मान लीजिए किसी को रामायण रामलीला करनी है, तो उस रामलीला में जो जो पात्र थे, राम पात्र थे तो राम का कोई व्यक्ति राम बनेगा, लक्ष्मण थे कोई व्यक्ति लक्ष्मण बनेगा, वाल्मीकि थे कोई व्यक्ति वाल्मीकि बनेगा, परशुराम थे कोई व्यक्ति परशुराम बनेगा। यहां पर मंचासीन हो रहा है उसका, और सारे व्यक्तियों को वो रूप दिए गए हैं। ये होगी अवस्था, जो अवस्था थी उसका अनुकरण धीरे धीरे किया जा रहा है। तो अवस्था के अनुकरण, अब अवस्था में बहुत सारी चीज आती है, उन व्यक्तियों को ढूंढा जाता है कि किस व्यक्ति का जो आंगिक मतलब अंग ऐसे हैं जो भगवान राम के समतुल्य हैं, लगभग लगे कि हाँ ऐसे ही रहे होंगे। जैसे आपने रामायण देखी होगी तो उसमें जो व्यक्ति राम बनाए गए हैं उनमें शालीनता है सबसे मुख्य बात, उनके शरीर के जो अंग हैं वो एक सीमा के अंतर्गत ही व्यवहार में रहते हैं जैसा वो चाहते हैं। धीमे धीमे बोलना, धीमे धीमे अनुकरण करना, धीमे धीमे हाथ पैरों को चलाना, इस तरह की जो व्यवस्था है वो आंगिक व्यवस्था के अंतर्गत आती है। आंगिक अवस्था का अनुकरण, यानी एक ही व्यक्ति है वो राम कैसे रहे होंगे, इस प्रकार की अंग को चलाने की जो प्रक्रिया है वो आंगिक अवस्था हो गई। थोड़ी सी बात समझते चलेंगे, समस्या नहीं आएगी। तो अवस्था अनुकृति, अवस्था की जो अनुकरण है, तो पहला हो गया अंग का अनुकरण, हाथ पैरों के द्वारा जो भी आपकी व्यवस्था है, जैसे राम चलते थे, जैसे उठते थे बैठते थे, लक्ष्मण जैसे तेज तर्राक थे राम के अपेक्षा, परशुराम उनसे भी ज्यादा थे, तो ऐसी जो शरीर के हाव भाव चाल ढाल जो बना लेते हैं वो आंगिक अवस्था का अनुकरण कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात आती है वाचिक। वाचिक का मतलब अब वाणी से है, या मानिए कि जो भी संवाद होता है बोला जा रहा है। राम बहुत ही आराम से बोलते हैं, सरल भाषा बोलते हैं, धीमे बोलते हैं, किसी को बुरा ना लगे इस तरह से बोलते हैं, तो वो वाचिक वाणी हो गई। इस तरह की वाणी बोलना, राम का जो पात्र लिए हुए है, राम व्यक्ति जो बना हुआ है उसको उस वाणी का अनुकरण करना, उस अवस्था का अनुकरण करना है। लक्ष्मण थोड़ा तेज थे, परशुराम उनसे भी ज्यादा तेज थे, तो परशुराम जो व्यक्ति बनेगा वो उसकी वाणी तेज होगी, लड़ने वाली होगी, ऐसा लग रहा होगा कि ये लड़ रहा है, इस प्रकार की जो वाणी से अनुकरण करे, उस वाणी की अवस्था का अनुकरण करे, तो वो वाचिक अनुकरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आहार शब्द से क्या तात्पर्य है, आहार से शब्द से तात्पर्य है, एक कल्पना की गई है यहां वेशभूषा से। राम को हम रामायण देख रहे हो, चाहे वो पात्र बोले या ना बोले, हम उसकी वेशभूषा देखते ही पहचान जाते कि ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये परशुराम है, ये रावण है, या ये है। जो भी पात्र होता है उसको हम उसकी वेशभूषा से, उसके आभूषण से, उसके श्रृंगार से, साज श्रृंगार से, जो भी उसने पहना हो उससे हम पहचान जाते हैं कि ये पात्र ये है। तो आहार का मतलब यही है, जो भी अलंकृत किया गया है उस पात्र को, उस अवस्था का अलंकरण का अनुसरण करना आहार कहलाता है। तीन चीज समझ आगे होंगी, व्यक्ति शरीर से लगे कि राम है, लक्ष्मण है, परशुराम है, व्यक्ति वाणी से लगे कि राम की तरह बोल रहे हैं, लक्ष्मण की तरह बोल रहे हैं, या परशुराम की तरह बोला जा रहा है। ये उदाहरण दे रहा हूं, उन्हीं को मत ले लेना आप, कृष्ण भी हो सकते हैं, कृष्ण लीला में वहां बहुत सारे हो सकते हैं, शिशुपाल भी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं आप, वो पात्र उनकी वाणी का, उनके शरीर का, उनके आभूषणों का, उनके अलंकरणों का अनुसरण करता है, तो ये आहार कहलाता है। ठीक है, सात्विक का तात्पर्य क्या है, सात्विक का मंदर अंदर का जो भाव है वो सात्विक कहलाता है, सुख दुख की जो प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की वो सात्विक के अंतर्गत आती है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है चीजें, लेकिन आपको एक बार में समझ आ गया फिर आगे समस्या नहीं होगी। रूपम दृश्यतो उच्चते रूपम, अब यहां पर दूसरा जो बता रहा है वो नाट्य के बारे में बता रहा है कि नाट्य जो होता है वो दृश्य होता है, अर्थात उसको देखते हैं, और देखते हैं इसलिए हम उसको रूप भी बोलते हैं, बस इसका और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे ही रूपकम, मैंने रूपकम के बारे में बता दिया, केवल चर्चा इसमें करनी थी, जो गहन चर्चा थी वो हो गई, बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम आगे
इसमें गति करेंगे। ठीक, अब ये नाटक के बारे में, नाट्य के बारे में हम जान चुके हैं। अब बात आती है कि नाट्य होते कितने प्रकार के हैं। चौथे स्थान पर प्रकार बताएं इसमें, ठीक है। प्रकार में बोला है दशधैव रसाश्रयम्। ये रस पर आश्रित होते हैं और ये दस प्रकार के होते हैं। नाटक कितने प्रकार के होते हैं? दस प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का जो होता है वो नाटक, दूसरा प्रकरण, तीसरा भाण, चौथा प्रहसन, पांचवा डिम, छठवा व्यायोग, सातवा समवकार, आठवा वीथि, नमा अंक और दसवा ईहा मृग। ये दस प्रकार के नाट्य होते हैं, इनको याद रख लीजिए, ठीक है। और इनमें से एक ना एक आ जाता है। आगे आने वाले समय में दसों प्रकार के जो रूपक हैं, रूप हैं, नाटक हैं, इनमें भेद कैसे कर पाएंगे? आखिर कैसे पहचानेंगे कि नाटक है, कैसे पहचानेंगे कि डिम है, कैसे पहचानेंगे कि व्यायोग है? इसके बारे में अगली वाली जो वीडियो आएगी बहुत ही विस्तृत में आएगी और आपको इनके बारे में फिर समझने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो दशधैव रसाश्रयम् अर्थात वो रस पर आश्रित होते हैं, ये सब याद रखना है, और वो दस प्रकार के होते हैं, ठीक है। पांचवा इसमें सूत्र टाइप में और दिया, ये सूत्र से ही लग रहे हैं मुझे, आप देखना क्या है। ये एक एक पंक्ति में, एक एक पंक्ति में श्लोक तो नहीं है, हो भी सकते हैं, जो भी हो, ठीक है। इसमें एक दो श्लोक और बताता चलूं। अन्यत भाव आश्रयम नित्यम। अब तो नाट्य को हमने जाना, ठीक है, नाट्य को जान लिया। अब नृत्य क्या होता है? क्योंकि नृत्य, नाट्य और नृत्य, ये तीन चीजें होती हैं। तो इसमें बोला है अन्यत भाव आश्रयम नृत्यम, यानी जो नृत्य होता है वो भाव पर आश्रित होता है। नाट्य किस पर आश्रित होता है, इसको याद रखना है, ये कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नाट्य जो होता है, रूपक जो होता है, रूप जो होता है, मतलब ये तीनों एक ही नाम है, वो रस पर आश्रित होता है, और नृत्य जिसको बोलते हैं वो भाव पर आश्रित होता है। एक है नृत्य, नृत्य जो होता है ताल ले आश्रित होता है, ये नृत्य ताल लय आश्रयम्। तीन हो गए, नाट्य, नृत्य और नृत्य। नृत्य जब भी आ जाए, जिसको नृत्य बोल दो, नृत्य बोल दो, जो भी आपकी इच्छा करे वो बोलो। ये ताल लय पर आश्रित होता है, नृत्य जो होता है वो भाव पर आश्रित होता है, और नाट्य जो होता है वो रस पर आश्रित होता है। नाट्य करने वाले अभिनेता को नट बोला जाता है, और नृत्य करने वाले को नर्तक बोला जाता है, इसको याद रखना है ना।
नृत्य करने वाले और नृत्य करने वाले को नर्तक ही बोला जाता है, एक याद रखना। इसमें दो एक चीज और है, नृत्य और नृत्य दो प्रकार के हो जाते हैं। जब ये उद्दत होता है तो ये तांड के नाम से जाना जाता है, उद्दत जो होता है। ये नृत्य और नृत्य उद्दत रूप में होगा तो तांडव के नाम से जाना जाएगा, और जो सुकुमार के रूप में होगा तो वो लास्य के रूप में जाना जाता है, लास्य। तांडव किसने किया था? शंकर जी ने, शिव ने। लास्य के जन्मदाता कौन है? पार्वती जी। तो शंकर ने तांडव और पार्वती जी ने लास्य किया था। ये कैसे? नृत्य और नृत्य के अंतर्गत आता है। ये दो भाग हो जाते हैं दोनों के, नृत्य के भी दो भाग हैं और नृत्य के भी दो भाग हैं। उद्यत होने से तांडव और सुकुमार होने से लास्य हो जाता है। और इसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ है समझाने के लिए, एक से दो चीजें थी इसमें, बाद बाकी कुछ नहीं है। अगली बार जो आएगा वीडियो उसमें इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि इनको कैसे विभक्त किया गया है अलग अलग पार्टों में, अलग अलग हिस्सों में, तो वहां बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। उम्मीद करूंगा थोड़ी सी चर्चा की है आपको अवश्य समझ में आएगी। नहीं आई हो, कुछ उसमें ऐसा लगा हो अटपटा सा, तो मुझे अवश्य कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।